हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक। और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, शिबा इनू की अपडेट्स आपको देनी है ताकि आप इसके बारे में अपने डिसीजन सही से ले सकें। ऊपर आप जो है ना वो टेप्स, वैसे हम काट लेते हैं एडिटिंग में, लेकिन अभी मैंने जो है ना वो रखी हुई है ताकि आप देख सकें कि यहाँ पर दोस्तों कितनी अपडेट्स हैं जो कि शिबा इनू के बारे में, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे यार इतनी सारी अपडेट्स, हम तो ये आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जस्ट यहाँ से आपको ओवरव्यूज देने हैं, अपनी बातें करनी है आपसे, आपको बताना है कि दोस्तों आपने क्या करना है। और एक ऐसा आर्टिकल मुझे मिला है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें हर चीज को कवर किया गया है, ठीक है। तो वो आर्टिकल यहां पर जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर सारी चीजें मिलाकर बताया गया है कि आने वाले दिनों में शिबा की प्राइस किन किन रीजंस की वजह से कहां पर जाने के चांसेस हैं। सबसे पहले दोस्तों जो अच्छी बात है वो ये कि आप यहां पर देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस ने जो है वो 52 की रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर 52 की रेजिस्टेंस थी जो कि टूट चुकी है, और 52 के बाद इसकी प्राइस अगेन जो है वो नीचे आ गई थी और पूरा सितंबर जो है वो नीचे ही चल रही थी। लेकिन अब अगर आप दोस्तों देखें तो ये रेजिस्टेंस टूट चुकी है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो यहां पर दिखाई दे रही है दोस्तों वो है 59 पर। मतलब ये मेरा अपना जो है ना वो तज्जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर है दोस्तों। तो बिटकॉइन की प्राइस को यहां तक जरूर जाना चाहिए, $59,000 की जो प्राइस है वहां तक, ठीक है। अगर 59,000 की प्राइस तक बीटीसी जाती है तो मतलब शिबा इनू की जो दोस्तों ये रैली है जिसमें प्राइस का जो मोमेंटम बना हुआ है ये भी कायम रहेगा और प्राइस आगे जाती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहां पर दोस्तों थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो पॉसिबल है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो शिबा में हो चुकी है। अभी एकदम से पैसे ऐसे निकलेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं 2021 जैसा कोई फंड यहां पर नहीं फैल जाए। अदरवाइज दोस्तों पैसे उस वक्त भी इस तरह से नहीं निकलते जैसे जो है ना वो लास्ट टाइम निकले थे शिबा से, जब ये शिबा बाइनेंस पर लिस्ट हुई थी। यहां पर आप देख सकते हैं इथेरियम की न्यूज है, और इथेरियम आप देख सकते हैं इथेरियम हिट्स 3500 एज पंपटोबर इज ऑलरेडी लिविंग अप एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो इथेरियम भी अगेन $3500 की जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके वापस आया है। इसका मतलब यह है कि मोमेंटम मार्केट में बन रहा है, और अक्टूबर से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अक्टूबर में प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगी, तो उसी का असर शिबा पर भी है। लेकिन यह है कि शिबा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा हमें जो है ना वो एक पंप नजर आया है। इसमें फोमो का भी एक रोल है, इलॉन मस्क के ट्वीट का भी रोल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिनका बहुत ज्यादा रोल है। यहां पर एक रिकॉर्ड दोस्तों बन चुका है यहां पर आपके सामने। कल मैंने अपनी वीडियो में आपसे कहा था कि भाई यहां पर आप विजिट करें और यहां पर सिग्नेचर करें, उस वक्त 2 लाख पटिशंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं अब ये 2 लाख से बढ़ चुकी है और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 3 लाख का है। एक्चुअली यहां पर दोस्तों रॉबिनहुड इतना नेसेसरी नहीं है जितना यहां पर रिकॉर्ड बनना जो है वो नेसेसरी है। चीजें यहां पर दोस्तों ये काउंट होती है हिस्टोरिकली, और हिस्टोरिकली ही चीजें किसी भी एसेट या टोकन या कॉइन पर जो है ना वो असरअंदाज भी होती है, उसके पूरे प्रोजेक्ट की जो वैल्यू होती है उस पर असरअंदाज होती है। तो आपको कंग्रेचुलेशन के 2 लाख से ज्यादा यहां पर पटिशंस हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टारगेट दोस्तों 3 लाख है। यहां पर आप देख सकते हैं एट 3 लाख सिग्नेचर दिस पटिशन बिकम वन ऑफ द टॉप साइंड ऑन change.org, ठीक है। अब 2 लाख पटिशंस जो है वो ऑलरेडी कुछ है जिनमें ये शामिल हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अगर यहां पर 3 लाख का टारगेट पूरा हो जाता है तो ये टॉप पर हो जाएगी, और ऐसी कोई पटिशन यहां पर जो है ना वो इससे पहले नहीं लिखी गई होगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं दे देता हूं, वहां पर क्लिक करके आप यहां पर आएंगे और इसको आकर साइन करेंगे तो आप अपना हिस्सा डाल रहे होंगे शिबा की प्राइस बनाने में या बढ़ाने में या एक हिस्ट्री बनाने में। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये जरूर करें। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं बीटीसी ट्रस्ट मंथली हाई 852 के शिबा इनू शिब इंटरेस्ट टॉप 20 आफ्टर 220% वीकली गेन्स मार्केट वॉच। तो दोस्तों शिबा इनू जो है वो टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी, अब यार ये 10-11-12 हजार क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स या कॉइन्स हैं, उनमें जो है वो टॉप 20 में आ जाना, ये शिबा इनू की कम्युनिटी का या इन्वेस्टर्स का कमाल है दोस्तों। यहां पर ये चीज भी दोस्तों गौरतलब है कि बीटीसी के साथ न्यूज में जो है वो शिबा इनू यहां पर लगी हुई है। अब जो व्हेल्स हैं दोस्तों बिटकॉइन में और इथेरियम में या सोलाना में इन्वेस्टमेंट करते हैं या एडा में या बीएनबी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस तरह की न्यूज जब पढ़ते हैं वो देखते हैं कि यार ये कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जो ये सब कुछ कर रही है या बीटीसी के साथ जो है जिसकी न्यूज लगी है, तो अल्टीमेटली उनका जो इंटेंशन है दोस्तों कॉइन या टोकन की तरफ आता है और वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर आप दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी नीचे आई हुई है, उसकी वजह से रैंकिंग जो है वो 21 नंबर पर आई हुई है, लेकिन वॉच लिस्ट में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसको, तकरीबन 11,66,000 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट पर अपनी रखा हुआ है,
प्राइस का मोमेंटम आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, प्राइस जो है वो 24 तक ऑलरेडी पिछले 24 आवर में जा चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा ही पीछे है और 22 पर ट्रेड कर रही है, मतलब ये एक जीरो तो ऑलरेडी किल हो चुका है। बातें ये हो रही हैं कि ये बाकी जो जीरो है ना दोस्तों, ये भी किल होने को है। अगर ये जीरो किल हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर नहीं होता तो भी यहां पर अगर दोस्तों 3 आ गया या 5 आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, और प्राइजेस या आपके जो एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है दोस्तों वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आपको नजर आएगी। पूरी क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली जो है ना वो एक अच्छे मोमेंटम में नजर आ रही है। कार्डानो आप देख सकते हैं एक अच्छे कंसोलिडेशन या करेक्शन मूड के बाद कार्डानो की प्राइस में भी आपको यहां पर जो है ना वो अच्छा खासा अप ट्रेंड नजर आ रहा है। इसी तरह सोलाना में भी आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद इसकी प्राइस ऊपर जा रही है अब, तो इन्हीं चीजों का असर जो है वो शिबा पर भी होगा। लेकिन यहाँ एवलांचे को अगर देखें तो 13 नंबर पर दोस्तों ये मार्केट रैंकिंग में है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गई थी और मेरे पास ये पड़े हुए हैं, तो ये आपको डाउन ट्रेंड में नजर आएगा। असल में ये डाउन ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी, और यही चीज जो आप जो दोस्तों जहन में रखना शिबा के बारे में भी, क्योंकि ये अच्छा खासा जो जंप है ना इसने लगाया था, लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस अब नीचे आ रही है पिछले 24 आवर का, 7 डेज का सॉरी ये चार्ट है। अब एफएक्स हिस्ट्री का आर्टिकल मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं डॉज किलर शिबा इनू प्राइस कैन रैली अदर 100% इफ इट ओवरकम्स दिस बैरियर। ठीक है, तो मतलब यहां पर जब ये आर्टिकल लिखा गया है तब इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 20 पर चल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि एक और 100% जो है ना वो इसमें बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 40 तक इसकी प्राइस जाने के चांसेस मौजूद हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्राइस अब सिर्फ पीछे ही जाएगी, इम्कान जरूर मौजूद होते हैं। एक्सपेक्टेशंस हमें दोनों तरफ की रखनी चाहिए, चार्ट को देखना चाहिए, लेकिन यहां पर जो चीज शेयर की गई है आप देख सकते हैं शिबा इनू प्राइस हैज सीन अ रफ 200% रन अप इन अक्टूबर। तो अक्टूबर का सिर्फ महीना जो है वो अभी उसको एक हफ्ता ही हुआ है, उसमें शिबा की प्राइस जो है वो 200% रन अप में हमें नजर आई है। इफ शिब मैनेज टू स्लाइस थ्रो द ट्रेडिंग रेंज मिड पॉइंट 80.0000203 0, इट कैन रियली एन अदर 100%। अगर यहां पर कंसोलिडेशन मूड में भी यहां पर रहती है, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लें कि अगले 24 आवर शिबा की प्राइस दोस्तों 20 से नीचे नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कर लें कि इसको यहां पर रखें जहां पर अभी मैंने रखा हुआ है कल्सर को, तो अगर यहां पर ही रहती है अगले 24 आवर तो इसका मतलब ये होगा कि दोस्तों प्राइस फिर ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है और ये 10 तक आ जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस और भी गिर सकती है। दूसरी बात ये होगी कि प्राइस 10 के बाद वापस यहां पर आना जो है फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें जो है वो एक टाइम लग सकता है। यहाँ पर नीचे दोस्तों चार्ट जो है वो शेयर किया गया है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। ये चार्ट है आप देख सकते हैं, प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि इसकी प्राइस जो है वो यहाँ जाने के बाद 23-24 पर जाने के बाद फिर अगर 20 पर आती है और यहां से एक अप ट्रेंड बन जाता है तो वो अप ट्रेंड दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3-4 तक इसकी प्राइस 3-4 तक जाने के चांस हैं। अभी यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है वो एक रेजिस्टेंस है, यहां तक इसकी प्राइस आ सकती है। अगर यहां से भी ऊपर जाए तो ये प्राइस चली जाएगी 37 तक। ठीक है, 3799 मतलब 0.00003 7 9, और यहां पर आपको अपने गेन जो है वो अच्छे खासे नजर आएंगे। और ये ऑल टाइम हाई है जब ये बाइनेंस पर लिस्टिंग हुई थी, फिर यहां पर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि दिसंबर में इसकी प्राइस अच्छी खासी ऊपर जाएगी, तो अक्टूबर के बाद दोस्तों नवंबर और फिर दिसंबर, अभी 2-3 महीने रहते हैं। 3 महीने अगर क्रिप्टो मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में नजर आती है, अगर बीटीसी दोस्तों 1 लाख डॉलर तक चली जाती है, इथेरियम अगर 7000 डॉलर तक चला जाता है, तो आपकी शिबा जो है वो आपको अच्छा खासा गेन देने के लिए तैयार होगी। लेकिन उसके लिए यह है कि आपको होल्ड पर रखना होगा। दोस्तों यहां पर मैं आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट करता हूं कि स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद जो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसमें सारी चीजों को कलेक्ट करके रखा गया है और बताया गया है कि प्राइस कहां तक जाने के चांसेस हैं और उसके रीजंस क्या हैं। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, स्किप मत कीजिएगा। ये सिर्फ मैंने ओवरव्यू देना है। यहां पर यह है कि आप देख सकते हैं शिबा इनू लीड्स द क्रिप्टो मार्केट करंटली द मोस्ट ट्रेडेड एसेट ऑन बाइनेंस कॉइनबेस एंड होबी। ये 3 टॉप की जो एक्सचेंजेस हैं
उसमें टॉप कर रही है शिबा इनू, और शिबा इनू की ट्रेडिंग जो है वो सबसे ज्यादा मतलब बिटकॉइन से भी ज्यादा ट्रेड कर रही है, और हर जगह जो है वो इसी का चर्चा हो रहा है शिबा का। और ये चर्चा जो है दोस्तों शिबा को जरूर काम आएगा और इसकी प्राइस में काम आएगा अगर आप होल्ड पर रखते हैं तो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने होल्ड पर रखना है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो आप बाद में जो है ना वो कमेंट करें कि यार एजाज भाई आपने मरवा दिया। अच्छा, ये एक आर्टिकल है दोस्तों क्वाइनपीडिया का, ये बहुत अहम है जो मैं आपसे कह रहा था कि आप जो है वो मिस मत कीजिएगा। 6 अक्टूबर 2021 को लिखा गया है, दीज कैटलिस्ट विल प्रोपल शिबा इनोशिप प्राइस टू 0.00005 मार्क। मतलब अब वो चीजें यहां पर इकट्ठी की गई हैं कि जो इसकी प्राइस को 0.00005 तक लेकर जा सकती हैं। अब वो क्या चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहां पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहां पर देखिए, शिबा इनू कंटिन्यूज टू बुलिश ऑन मार्केट चार्ट्स, द मीम कॉइन इज नाउ इन्फ्लुएंसिंग फेलो कॉइन्स टू फेलो इट्स लीग, शिप प्राइस इज ट्रेडिंग एट 0.00023 विद गेन्स ऑफ 81.47%। तो ये एक ओवरव्यू है कि जो कुछ हो रहा है। अब वो तो सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन यहां पर मैं लास्ट में आपको लेकर चलता हूं। ये आप देख सकते हैं एक्चुअली बात क्या है, ठीक है। कैटलिस्ट फ्यूलिंग शिप प्राइस बुल रन, इट इज नाउ वाइडली नोन दैट द रन वाज इनिशिएटेड विद अ किक स्टार्ट फ्रॉम मस्क ट्वीट, ठीक है। स्टार्टिंग यहां से हुई, चलो भाई मान लेते हैं स्टार्टिंग जो है वो इस प्राइस की जो रैली है उसकी वहां से हुई है, ठीक है। इलॉन मस्क का एक ट्वीट है, देयर आर सेवरल इन अदर कैटलिस्ट दैट आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन फ्यूलिंग शिबा इनू लेग अप व्हिच आर एज फॉलोज, ठीक है। अब आपको हर कोई ये बता रहा है कि इलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से जो है ना ये हो गया वो हो गया, इसकी प्राइस उधर चली गई उधर चली गई, लेकिन दोस्तों मैं जो आपको यहां पर बताने वाला हूं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपके समझने की बातें हैं, ठीक है। वो आप यहां पर नीचे पढ़े, एक्चुअली हुआ क्या है, इंक्रीज इन व्हेल एक्युमुलेशन, मतलब व्हेल्स जो है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ध्यान है वो यहां पर आ गया, और उन्होंने क्या किया है, ये एक नाम दिया हुआ है यहां पर, जिमली हैज बॉट शिप वर्थ, आप खुद यहां पर देख सकते हैं तकरीबन 23 लाख USD की शिप उन्होंने बाय की है, ठीक है। 23,85,648 US डॉलर इन्वेस्ट किए एक बंदे ने, ठीक। उसके बाद एक अनोनिमस वेल है, मतलब उसका कोई पता नहीं है, नाम कोई नहीं है, उसने 276 बिलियन शिप जो है वो बाय कर ली है। थर्ड पॉइंट दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, रिपोर्ट सजेस्ट दैट लार्जर ट्रांजेक्शंस ग्रेटर देन 1 लाख पीक्ड फ्रॉम 147 ऑन द 1st अक्टूबर टू 1300 बाय द 4th ऑफ अक्टूबर। अब ये जो ट्रांजेक्शंस जो हुई हैं बहुत ज्यादा यहां पर जो मेंशन की गई है ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा है कि भाई आपके 150 और मेरे 3,000-4,000 डॉलर से जो है ना वो शिबा की प्राइस यहां पर नहीं पहुंची। शिबा की प्राइस एक्चुअली यहां पर पहुंची है, यहां पर जो लाखों डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं या करोड़ों डॉलर जो इन्वेस्ट हुए हैं उनसे हुई है, क्योंकि मार्केट कैप अगर दोस्तों आप देखें तो 9 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है। अब सिर्फ 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले जो है ना वो इसकी जो मार्केट कैप थी वो 2-3 अरब डॉलर थी, मतलब यहां पर जो नया पैसा लगा है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर के करीब लगा है, ठीक है। और 7 अरब डॉलर मैंने और आपने तो यहां पर नहीं लगाए। सेकंड बात दोस्तों, एक्सेप्टेंस ऑफ शिबा इनू बाय नाउ पेमेंट्स। अब नाउ पेमेंट्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो एक्सेप्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम दे रहा है कि भाई हम यहां पर इसको एक्सेप्ट करेंगे शिबा को। तो ये एक्सेप्टेंस जो है दोस्तों, हमेशा मैं आपसे ये कहता हुआ आया हूं कि यूटिलिटी बेस्ड कोई टोकन अगर बन जाता है तो उसकी प्राइस अल्टीमेटली बढ़ती है। बर्निंग भी वहां पर हो, यूटिलिटी भी हो, एक्टिविटी भी हो, मार्केट पुश भी अगर हो तो कहीं भी प्राइस जो है वो नहीं जाती, प्राइस अल्टीमेटली बढ़ेगी। ये जो पिछले 3-4 महीनों में 5 में हुआ है दोस्तों, पूरी क्रिप्टो मार्केट नीचे थी, शिबा की प्राइस नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में जो फंड था उसका असर जो है वो उसकी प्राइस पर बहुत ज्यादा था। यहां पर enables online and offline stores to accept ship payments। यहां पर एक चीज और मैं आपके साथ जो है ना वो बताता चलूं आपको कि तकरीबन वेंजवेला में 50-50 स्टोर्स ऐसे हैं जो कि शिबा को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और वो यहां पर शामिल नहीं है, वो एक अलग चीज है। शिब पेरोल इज पॉसिबल, मतलब शिब पेरोल पॉसिबल है। चैरिटीज कैन एक्सेप्ट शिब, ये भी मतलब वहां से जो है ना वो नाउ पेमेंट से पॉसिबिलिटी जो है ना वो निकल के आ रही है। स्ट्रीमर्स कैन एक्सेप्ट डोनेशंस इन शिब, तो ये भी नाउ पेमेंट्स की वजह से पॉसिबल है। उसके बाद जो चीज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है वो क्या है, द शिबोशीज एनएफटीज विल हेल्प बर्न शिप टोकन्स हेल्पिंग रिड्यूस द सप्लाई।
अब ये नेक्स्ट वीक जो है वो शिबो शीज आने वाले हैं, शिबा स्वैप पर, वहां से बर्निंग का जो मैकेनिज्म है वो शुरू हो जाएगा। एक बर्निंग ऑलरेडी हो रही है कि जो भी लिस्टिंग होती है शिबा स्वैप पर वहां से बर्निंग होती है और उसमें लीश और शिबा दोनों बर्न होते हैं। लेकिन सेकेंड तरीका जो बनाया गया है बर्निंग का, वो ये आपके सामने मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। एनी वन हु होल्ड दीज एनएफटीज कैन ऑप्ट फॉर रीनेमिंग देम बाय बर्निंग शिप टोकन। ये ऑलरेडी डिटेल है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। कॉइन बर्न माइट ब्रिंग अ सर्ज टू द प्राइस हेल्पिंग द प्रोपल टू 1 सेंट। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि कॉइन बर्न जो है वो ऐसा ऐसा इसको इसकी प्राइस जो है उसको 1 सेंट तक लेकर जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ये चीजें पॉसिबल जरूर दिखाई देती हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि 1 सेंट को छोड़ दें, अगर 1 सेंट तक इसकी प्राइस नहीं भी जाती ना दोस्तों, तो 0.5 सेंट तक आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 रुपया या 8 आने तक भी इसकी प्राइस आ जाती है तो अच्छे खासे जो होल्डर्स हैं उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इन एडिशन, एडिशन में क्या है कि मोस्ट ट्रांजेक्टेड जो क्रिप्टो करेंसी है इथर स्कैन की वो शिबा है। शिबा की ट्रांजेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इथर स्कैन पर होती हैं, तो ये भी जो है ना वो एक एडवांटेज मिल गया है शिबा को। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो शिबा को, शिबा की प्राइस बनाने में एक रोल प्ले कर सकती हैं। और रोल क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम आल्सो बिलीव द कॉइन टू हिट द 0.00005 मार्क फ्रॉम द कैटलिस्ट, वी कैन अज्यूम द 10 टू बी अनलाइक डॉज रन, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इन शिप्स फेवर। तो ये सारी चीजें मिलकर, मतलब ये डॉज कॉइन की तरह सिर्फ इलॉन मस्क पर जो है वो जो डिपेंड नहीं कर रहा होगा कि इलॉन मस्क ट्वीट करेंगे तो ही इसकी प्राइस बढ़ेगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें मिलकर रोल प्ले करेंगी कि जो शिबा की प्राइस बनाने में हम हेल्प कर सकती हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट की है और आप तक पहुंचाई है, आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।